नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम त्रिपक्षीय संघर्ष के पांचवें व अंतिम चरण का अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले के दो वीडियोस में आपने कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पालों के बीच में शुरू हुए संघर्ष, संघर्ष का कारण और किस प्रकार से तीनों ही शक्तियां अपनी सर्वोच्चता के लिए आपस में उलझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, उसका अध्ययन है वो कर रहे हैं। अब देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष का जो पांचवा चरण है, यह चरण त्रिपक्षीय न होकर केवल द्विपक्षीय रह गया। क्यों है? क्योंकि उस समय में राष्ट्रकूटों का नया जो अल्पवयस्क शासक बना था, जिसका नाम था अमोघवर्ष, वह अमोघवर्ष आंतरिक कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उसकी परिवार में ग्रह क्लेश जैसी समस्याओं से वह ग्रसित था। उसने उसके अधीन जो चालुक्य सामंत थे, वे स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह करने पर उतर थे। यद्यपि अमोघवर्ष ने चालुक्यों को तो पराजित करके वीर नारायण की उपाधि धारण की थी, फिर भी उसे चालुक्यों की विद्रोहतापूर्ण नीति से खतरा था, क्योंकि चालुक्य इनसे मुक्त होना चाहते थे। एक बार तो अमोघवर्ष ने उनको अपने अधीन कर लिया था, लेकिन वे लंबे समय तक उनके अधीन रहने को तैयार है वो नहीं थी। इसके अलावा गुजरात में शासन करने वाले उसके चचेरे भाई और गंगवाड़ी के करद राजाओं ने भी उसके लिए समस्याएं खड़ी कर दी थी। गुजरात में जो उसके चचेरे भाई और गंगवाड़ी क्षेत्र के जो करद राजा थे, वे बार बार इन राष्ट्रकूटों की सीमा में अधिकार करने की कोशिश कर रहे थे, राज्य हड़पने की कोशिशें वो कर रहे थे। अपनी इन्हीं कठिनाइयों के कारण अमोघवर्ष अपने पिता और दादा की भांति उत्तरी भारत में कन्नौज को लेकर जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, उसमें कोई विशेष निर्णय भूमिका अदा नहीं कर पाया था। एवं इसके अलावा अमोघवर्ष आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला और वैराग्य भावना वाला व्यक्ति भी था। इस कारण उसे संघर्ष से भी दूर रहना पड़ा और राष्ट्रकूटों की अनुपस्थिति में उत्तरी भारत की सर्वोच्चता के लिए जो संघर्ष किया गया था, वह संघर्ष अब गुर्जर प्रतिहारों और पालों का केवल सीमित रह गया। वापस सुन लीजिए, त्रिपक्षीय संघर्ष का जो पांचवा चरण है, इस पांचवें चरण के अंतर्गत राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रभावहीन हो गया था। आंतरिक ग्रह क्लेश में वह दब गया था। ऐसी स्थिति में वह कन्नौज को लेकर कोई ज्यादा भूमिका नहीं रख पाया। इस कारण यह संघर्ष राष्ट्रकूटों की जगह
गुर्जर प्रतिहारों और पावन तपी सीमित रह गया था। 833 ईस्वी में प्रतिहार शासक नागभट द्वितीय जो है उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र रामभद्र रामचंद्र शासक बना था। तो रामभद्र शासक बना और रामभद्र अत्यंत कमजोर था, ठीक है, और इसी कारण जो साक्ष्य है उसके आधार पर वर्णन मिलता है कि रामभद्र का जो गुर्जरात्रा क्षेत्र और कालंजर है वहां का अधिकार है वो समाप्त हो गया। रामभद्र के काल में पालों का प्रतिहारों से संघर्ष हुआ और इसकी जानकारी हमें बदल स्तंभ अभिलेख से मिलती है जिसमें गौड़वंशीय शासक देवपाल ने गुर्जर राज प्रतिहारों के विमान को चूर चूर कर दिया क्योंकि नागभट द्वितीय के बाद प्रतिहारों का कोई योग्य शासक ना रामचंद्र या रामभद्र नहीं हो पाया। इस कारण इसका बेनिफिट फायदा है वो पालवंशी शासकों ने उठाया और इसकी जानकारी हमें बदल स्तंभ अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा जानकारी का दूसरा स्रोत ग्वालियर अभिलेख भी और ग्वालियर अभिलेख में भी रामभद्र के सामंतों ने संगठित होकर पालों को बुरी तरह से पराजित किया और ऐसा प्रतीत होता है इससे कि प्रतिहारों को पालों से प्रथम संघर्ष में पराजित होना पड़ा और दूसरे संघर्ष में पुनः विजयी हैं वो हुए थे। अब त्रिपक्षीय संघर्ष का जो पांचवा चरण है इसमें बंगाल के पालों ने अपने प्रमुख दोनों ही विपक्षी राज्यों में उत्पन्न जो कठिनाइयां हुई थी उनका पूरा लाभ उठाया, जैसे अमोघ वर्ष आंतरिक मामलों में ग्रस्त था, रामभद्र ज्यादा योग्य नहीं था, इसका उन्होंने ये बेनिफिट उठाया था। धर्मपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र देवपाल बंगाल का शासक बना। देवपाल भी अपने पिता धर्मपाल की भांति अदम्य साहसी महत्वाकांक्षी और सैनिक क्षमता में निपुण था और इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई युद्ध किए, गुर्जर प्रतिहारों से संघर्ष किया और यहाँ तक कि उसने कामरोग उत्कल उड़ीसा के राजाओं को भी पराजित किया था तथा उत्तरापत हिमालय में जो स्थित हुण है हुणों के राजा को भी पराजित करके ख्याति प्राप्त की थी। गुर्जर प्रतिहारों में देवपाल की समकालीन शासक नागभट द्वितीय रामभद्र और तीसरा कौन था मिहिर भोज, ठीक, ये उसके समकक्ष हैं वो हुए थे। संघर्ष के पहले दौर में गुर्जर पराजित हुए और दूसरे दौर में देवपाल एवं पराजित हुए थे और इस तरह इनके बीच में पांचवा जो चरण था त्रिपक्षीय यह प्रतिहारों और पालों तक सीमित रह गया। अब आता है त्रिकोणीय संघर्ष का छठा और अंतिम चरण, ठीक है। तो छठे और अंतिम चरण में जो परिणाम है वो अंत में जाकर गुर्जर प्रतिहारों के पक्ष में रहा था और इसको लेकर शुरुआत भी की थी गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने
और अंत में भी इसका परिणाम है वो गुर्जर कतियारों के पक्ष में रहा था। कैसे? तो देखिए, देवपाप के बाद विग्रह पाप सम्राट बना था और उसके अत्यंत अल्पकाल के लिए शासन किया था। कोई ज्यादा उसके शासन के स्रोत भी हमारे पास नहीं है और विग्रहपाल के बाद नया शासक बना था नारायणपाल। उसने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया और नारायणपाल का जो काल है यह पाल वंश के लिए अवनति का काल था। अर्थात नारायणपाल के काल में पालों का जो पैतृक राज्य था, पुष्तैनी राज्य था, उसके प्रदेश भी उनके हाथ से निकल गए थे तथा उसके अनेक सामंतों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद अमोघ वर्ष, यह भी राष्ट्रकूट शासक था और ये नारायणपाल के समकालीन था और राष्ट्रकूटों के अनुसार अमोघ वर्ष ने नारायणपाल को पराजित कर दिया था, परंतु किसी प्रमाण में इसकी पुष्टि नहीं होती। हालांकि साक्ष्यों में अमोघ वर्ष को दुर्बल शासक बताया गया है। अमोघ वर्ष की मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटों का नया शासक कृष्ण द्वितीय बना और कृष्ण द्वितीय को भी निरंतर अपने सामंतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और उस समय गंग राजवंश, गुजरात के चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये जो थे ये राष्ट्रकूटों के लिए कृष्ण द्वितीय के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे। और ऐसी परिस्थिति में आपसी क्रकलेश में दबे हुए कृष्ण द्वितीय को गुर्जर प्रतिहारों से भेटना बहुत मुश्किल था और ऐसी स्थिति में संयोगवश गुर्जर प्रतिहार राजवंश को मिहिरबोज एवं महेंद्रपाल जैसे पराक्रमी शासकों की सेवा प्राप्त हो गई। कोई भी राजवंश का उत्थान योग्य शासक से होता है और पतन अयोग्य शासक से होता है। तो ऐसी स्थिति में जब पाल भी कमजोर हो गए थे, राष्ट्रकूट भी कमजोर हो गए थे, समस्याओं से ग्रस्त थे और ऐसी स्थिति में गुर्जर प्रतिहार में दो सुयोग्य शासक उत्पन्न हुए, मिहिरबोज और महेंद्रपाल, और इन्होंने कन्नौज को अपने पक्ष में है वो ले लिया था। अब देखिए, गुर्जर प्रतिहार मिहिरबोज ने जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली था और जब सिंहासन पर बैठा और बैठते ही उसने पहला कार्य किया अपने बिखरे हुए साम्राज्य को संगठित करने। ठीक है, इसके लिए उसने उत्तरी भारत में बंगाल के पालों से उत्तर पश्चिम में कश्मीर तक आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया और अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट अपने आंतरिक मामलों में उलझ रहा और इसका लाभ उठाकर मिहिरबोज ने अपने वंश के पूर्व में हुए नागपट द्वितीय के काल के अपमान का है वो बदला लिया और जो उसके पिता के काल में प्रतिहारों के हाथ से राज्य निकल गए थे उन राज्यों को पुनः है वो विजित कर लिया और अब गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सीमा उत्तर में
हिमालय की तराई तक विस्तृत हो गई थी। इस तरह मिहिर भोज ने अपने साम्राज्य और शक्ति को है वो मजबूत बनाया था। पालों के साथ भी गुर्जर प्रतियानों को मिहिर भोज को संघर्ष करना पड़ा और ऐसे में उन्होंने परंपरागत शत्रु को पराजित भी किया। अब राष्ट्रकूट राज्य है उनकी सीमा सीमित कर दी और इस कारण राष्ट्रकूटों व प्रतिहारों के मध्य संघर्ष अनिवार्य हो गया। राष्ट्रकूटों की एक गुजरात शाखा के ध्रुव ने गुर्जरों की शक्तिशाली सेना को युद्ध में पराजित कर दिया और इस पराजय का प्रतिशोध मिहिर भोज के मस्तिष्क में हमेशा बना रहा था और वह अंतिम समय तक बदला लेने की प्रतिशोध लेने की फिराक में था। अतः उसने रामहिर भोज ने कन्नौज की सीमाओं को अपने अधीन ले लिया और उन्हें चहुमुखी बनाने का प्रयास भी है वो शुरू किया था। और उनके काल में मिहिर भोज के काल में प्रसिद्ध अरबी यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की और उनके पास एक विशाल सेना थी तथा उससे अच्छी अश्व सेना किसी भी भारतीय सम्राट के पास नहीं थी और भारतीय राजाओं में वह इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु था। ऐसा अरबी यात्री सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। अरबी यात्री सुलेमान लिखता है कि मिहिर भोज के पास विशाल साम्राज्य था और अपार धन वैभव था। मिहिर भोज का काल गुर्जर प्रतिहारों में स्वर्ण काल माना जाता है और मिहिर भोज के काल में विशेष तौर से भगवान विष्णु के मंदिरों का उत्थान हुआ और भगवान विष्णु के मंदिरों का उत्थान होने के कारण इसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज ने अपने काल में परंपरागत शत्रु राष्ट्रकूट व पालों को पराजित करके स्थायी रूप से कन्नौज पर वो अधिकार कर लिया था और मिहिर भोज की मृत्यु के बाद उसका योग्य शासक महेंद्रपाल सिंहासन पर बैठा और महेंद्रपाल ने अपने साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों को सफलतापूर्वक जीता जिसकी जानकारी हमें बिहार बंगाल के शिलालेखों से मिलती है। उन्होंने नारायणपाल के काफी प्रदेश छीन लिए अधिकार कर लिया और अपने शासन के अंतिम वर्षों में शायद नारायणपाल ने उन्हें पुनः प्राप्त किया था। लेकिन महेंद्रपाल के काल में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सीमाएं चहुमुखी बढ़ रही थी। उत्तर में उनका साम्राज्य हिमालय की तराई, उत्तर पश्चिम में करनाल हरियाणा तक, दक्षिण में बुंदेलखंड तक, पूर्व में मगध तथा बंगाल के राजशाही जिले तक उनका अधिकार वो हो गया था। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि कन्नौज को लेकर तीनों शक्तियों के बीच गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहार विजित हुई और उन्होंने कन्नौज पर अधिकार
किया। यह संघर्ष इतिहास में लगभग 200 वर्षों तक चला था और इसे तीनों ही गुटों के बीच युद्ध होने के कारण त्रिपक्षीय त्रिगुटीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच।